सरायकेला में खाकी के दागदार होने का मामला प्रकाश में आया है। दरअसल एक दिव्यांग युवती ने बंगाल के पुलिसकर्मी पर प्यार में झांसा देकर शादी करे और फिर बाद में पैसा लेकर फरार होने का आरोप लगाया है। मीडिया के अनुसार दोनों ने देवड़ी में शादी रचाई। कुछ दिनों बाद उसने घर बनाने के नाम पर पत्नी से 3 लाख रुपए लिए और उसको छोड़कर फरार हो गया। पीड़िता ने ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की पूर्व महिला अध्यक्ष के साथ महिला थाने पहुंची और आरोपी पुलिसकर्मी अशोक चंद्र मांझी खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। पीड़िता के अनुसार फेसबुक के जरिए दोनों का प्यार परवान चढ़ा, बाद में दोनों ने शादी भी कर ली। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। 3 साल पहले अशोक चंद्र मांझी के साथ हम लोग फेसबुक में दोस्ती हुआ, दोस्ती के दौरान प्यार हुआ, फिर हम लोग मंदिर में जाके पूजा करने गए, वहीं पे शादी किए और शादी के दौरान हम लोग पति पत्नी की तरह रहने लगे। और रहने के बाद वो घर वाला कहकर आ रहा, घर में उसके सिर्फ मंझले वाले भैया और मंझली वाली भाभी, हम दोनों के रिलेशनशिप की या शादी के बारे में जान रहे थे, लेकिन